क्या बात है, क्या बात। हाँ जी बॉयज़, अस्सलाम वालेकुम। यार माजरत, व्लॉग अपलोड नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था क्योंकि तबीयत खराब थी। अभी निकले हैं राइड पे। ये हमारे बहुत अच्छे उस्मान भाई हैं, ये बाइक का रिव्यू करने लगे हैं। प्लीज 105 होंडा नेस नवा मॉडल ही टैंकी टॉप नवे लवाए ने, चेक करो। ए वंगा जा पैप लाई, हवा खिंचना ना ताकत आनी है। इस तो पहले ना मर्दाना ताकत कम सी, हां इस नाल ताकत आ जानी। हां एथों लंबा कीता है मोटरसाइकिल। हां ए कोडा हो गया सी। कितना इंच? 13 एवरेज। ए मीटर लाई ने ताकि स्पीड पता लगे। तो ये मीटर जो है ना इतने नंबर आने ने, क्योंकि इसमें जो राइडर है ना उस दूजा मीटर पढ़न नहीं आना। जैली और जी और खत्म। नहीं नहीं वाडा तूता लाया ही ना। तुसी लैग कवर कर रहे हो जी। ओ सॉरी सॉरी, ये वाडा पाई, ये वाडा तूता। हां आवाज आवे। हां ते बच्चिया जग जावन। हां ते मोटरसाइकिल तू वक्त तक के आगे तू समझ सकनी चला। अच्छा तो इसका ये चक्कर है ना कि भाई इसको भी हमने चलाया 1000 किलोमीटर और उसके अंदर इसका ये रिव्यू है कि भाग रहा बाइक है, बाइक भाग रहा है ना, भाग रहा है बाइक, भाग रहा मतलब इनके होंडे को इन्होंने चप्पे कराए हैं, खुले खुले चप्पे कराए हैं इसको, इस बंदे को। ठीक हो गया। यार अभी इसमें ना सिर्फ एक मसला है, मसला इसका एक, इसका जो कार्बोरेटर है वो सही बैठ नहीं रहा, क्योंकि इस कार्बोरेटर से ना इस कार्बोरेटर को कोई ट्यून नहीं कर सकता। ऐसे ही उस्मान भाई? यस ठीक है। उस्मान भाई के मैकेनिक भी हम उनके पास भी गए थे, उनसे भी ये ट्यून नहीं हुआ। तो अब हम लोग वापस पाकिस्तानी बड़े कार्बोरेटर की तरफ जा रहे हैं, PZ30। अब इंशाल्लाह वो लगाएंगे, फिर आपसे इसकी परफॉर्मेंस शेयर करूंगा। फिलहाल इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा है, हल्की हल्की जगह पर टेल मारने लग जाता है। दूसरा ये है कि यार परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है लेकिन मिसिंग बहुत करता है, और RPM ना इसका 9.5 पे लॉक हो जाता है। तो बस ये कार्बोरेटर चेंज हो जाए वो सही काम हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कार्बोरेटर किसी से ट्यून हो नहीं रहा। तो इंशाल्लाह जो इन डेप्थ रिव्यू होगा वो उसके साथ बनाऊंगा, और आपको ना इसका ड्रैग्स भी करवा के दिखाऊंगा GS के साथ और CG के साथ। सो सीनियर शीश और हमजा भाई इंतज़ार कर रहे हैं, और बस उधर चल के आपको अपडेट करता हूँ क्या सीन है। हाँ पहले से सही है ना, इसको थोड़ा सा नीचे करना। हाँ इसको कर दूंगा मैं भी नीचे। क्या बात, दूसरा भी रखो, रखो जरा दोनों। क्या बात, हाँ जी बॉयज, सीन ये है कि रेयर सेट्स डन हो गए एंड माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने। टाइम लगा, ऑब्वियसली टाइम तो लगा, इधर GP शिफ्टिंग हो गई है ठीक है, और उस साइड पे रेयर सेट्स हो गए, टाइम काफ़ी लगा। अभी अफ्तारी में मेरे ख्याल से रह गया टाइम, आधा एक घंटा रहता है, तो बस निकलते हैं घर। बाकी बाइक बहुत मज़े की फील दे रहा है, इंशाल्लाह आपको मतलब इसके शॉर्ट साइडों से और रील्स वगैरह में आपको नज़र आ जाएगा पोस्चर कैसे। बाकी द बाइक लुक्स गुड, और ये जो रेयर सेट्स था ये मतलब दिस वॉज अ गुड आइडिया, मेरा पाइप पे भी पाँव नहीं लग रहा, मैं आराम से बैठ भी सक रहा हूँ। तो या इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।